नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 20 अप्रैल 2023 को साल का प्रथम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है, क्या यह ग्रहण आपके लिए शुभकारी है या आपके जीवन में अशुभ प्रभाव डालने वाला है। तो देखिए, 20 अप्रैल 2023 को लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी प्रभावी रहने वाला है। इसका प्रभाव भारत समेत कई अन्य देशों में देखने के लिए मिलने वाला है। यह ग्रहण वैशाख महीने की अमावस्या के दिन लगने वाला है और मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत लगने वाला है। इस ग्रहण के दौरान बहुत सारी घटनाएं वातावरण में देखने के लिए मिल सकती है। जब यह ग्रहण शुरू होगा तो सूर्यदेव बुध और राहु के साथ युति बनाकर मेष राशि में गोचर करने वाले हैं और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी सूतक काल भारत में मान्य नहीं रहने वाला है। लेकिन ग्रहण की जो घटना होती है यह खगोली घटना है और खगोली घटना का समस्त मानव जीवन के ऊपर व्यापक असर देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसका भारत में भी प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। यह ग्रहण चाइना, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में खास तौर से दिखाई देने वाला है। इस ग्रहण के प्रभाव से कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, मौसम में बदलाव, तेज तूफान, आंधी और भूकंप की संभावना देखने के लिए मिल सकती है। 20 अप्रैल की सुबह 7:04 पर यह ग्रहण शुरू हो जाएगा और इसकी जो समाप्ति है दोपहर में 12:29 पर होने वाली है। कुल मिलाकर 5 घंटे 24 मिनट तक यह ग्रहण चलने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा असर देखने के लिए मिलने वाला है। कन्या राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके राशि के द्वादश भाव व्यय भाव के अधिपति होते हैं, जो आपके राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके राशि के अष्टम भाव पर यह ग्रहण प्रभावी रहने वाला है। इस ग्रहण के प्रभाव से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आकस्मिक रूप से धन प्रदायक स्थितियां निर्मित होने की संभावना बनने वाली है, यानी आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में अचानक सफलता और सकारात्मकता देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन हानि और धन खर्च का भी सामना आने वाले 20 दिनों तक करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही योजना बना लें या आपको धन व्यय कहां करना है। कन्या राशि के जातकों को शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर दबाव बढ़ने की प्रबल संभावना इस ग्रहण के फलस्वरूप देखने के लिए मिल सकती है। यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या सहकर्मियों के साथ जुड़कर आप काम कर रहे हैं तो वाद विवाद से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ सहकर्मियों के साथ अपने संबंध को सुधार कर रखना चाहिए, बेहतर बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। विदेशों से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम करते हैं तो आपके जीवन में लाभकारी स्थितियां निर्मित होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ सूर्यदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के द्वितीय भाव को देखने वाले हैं। द्वितीय भाव से कुटुंबी जनों के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर आपके जीवन में पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ
संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, आशा के अनुरूप रहने वाला है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को ग्रहण काल के समय अवधि में गायत्री मंत्र का जप करना काफी बेहतर रहेगा। सुंदरकांड का पाठ ग्रहण काल की समाप्ति के पश्चात आप जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि के जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।